मित्र से मिलने की चाह में गरीब सुदामा जब द्वारकाधीश के महलों में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो द्वार पर ही द्वारपाल उसको डांट कर रोक देता है और कहता है, ए, कौन है तू? और अंदर कहाँ जाता है, दिखाई नहीं देता? यह द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी का महल है। तब गरीबी से लाचार सुदामा हाथ जोड़कर द्वारपालों से विनती करते हुए कहता है, ना रोको ऐसे मुझे, ये देख हाल मेरा है यार, बचपन का मेरा वो शाम तेरा है। सुदामा है नाम मेरा, बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से ए द्वार पालो मिलने दो, बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से ए द्वार पालो मिलने दो, नहीं देखा है बरसों से उसको, तनिक मोहे तक लेने दो, बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से ए द्वार पालो मिलने दो, बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से ए द्वार पालो मिलने दो। गरीब सुदामा की हालत देखकर द्वारपालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह निर्धन ब्राह्मण कभी उनके द्वार का धीश का सखा रहा होगा, परंतु फिर भी उस पर रहम खाते हुए एक द्वारपाल महल के अंदर जाता है और कन्हैया को यह संदेश सुनाता है। धनिया
जिस पगड़ी ना जगा उसके तन पे काहे है तुमसे मिलने को बड़े दिन हुए बिछड़े सका से ऐ द्वार पालू मिलने दो बड़े दिन हुए बिछड़े सका से ऐ द्वार पालू मिलने दो बड़े दिन हुए जैसे ही द्वारकाधीश ने द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुना बिना देर किए गिरधारी उसी क्षण सिंहासन से उठ खड़े हुए और नंगे पैरों द्वार की तरफ दौड़ पड़े। ऐ द्वार पालू मिलने दो
हम आंसुओं से ही धो डाले, क्या कहने बंसी वाले हो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से, ऐ द्वार पालो मिलने दो। Okay.